सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, नमस्ते जर्मनी में आपका बहुत स्वागत है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ निशा चौहान और आज हम लोग जर्मनी के एक गांव में जा रहे हैं। कौन सा गांव है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाह रही हूँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है क्लियरली उस गांव का नाम क्या है, क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ जर्मन जो नेम्स होते हैं ना उनको कॉल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो एग्जैक्टली क्या नेम है वो मैं आपको बाद में देख कर ही बता पाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल मैं अभी अपने घर के पार्क में बैठी हुई हूँ और संजीव और नविका का वेट कर रही हूँ कि कब वो लोग आएँ और हम चलें, क्योंकि आज मैं वॉक करते हुए नहीं जा रही हूँ स्टेशन। आज हमने कैब की है क्योंकि हमारे पास सामान भी था और थोड़ा हमारा ट्रेन का जो टाइमिंग है उससे हम लेट हो रहे थे, तो इसी वजह से हमने कैब की है। और ऐसा नहीं कि कैब थोड़ा टाइम लेती है, वो आ जाती है एक दो मिनट में, लेकिन संजीव और नविका टाइम ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दौरान मैं वीडियो शूट कर देती हूँ। तो जैसे कि जर्मनी में समर्स चल रहे हैं तो इस दौरान लोग घूमते फिरते बहुत हैं, क्योंकि ठंड में निकलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। तो जो ये पीरियड समर्स का होता है इस दौरान लोग अच्छा खासा ट्रैवल करते हैं। तो जर्मनी में तो 9 यूरो की टिकट के बारे में सभी जानते होंगे। एक तो समर चल रही है, ऊपर से सरकार ने 9 यूरो की टिकट कर दी है, तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया है। आज हम लोग भी पहली बार 9 यूरो टिकट को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से दूसरी सिटी या दूसरे विलेज के लिए निकल रहे हैं। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इसका फ़ायदा उठाएं। एक्चुअली क्या है कि 9 यूरो टिकट जून से शुरू हो गई है, जो कि अगस्त तक चलेगी, पूरे समर ये चलेगी। जैसे कि आप न्यूज़ और वीडियोज़ देख ही रहे होंगे, ऐसे काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं, जर्मनी में पहली बार रेलवे स्टेशन्स पर इतनी भीड़ देखने को मिली है, लोगों को सीट तक नहीं मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 9 यूरो टिकट की वजह से, क्योंकि इतनी सस्ती टिकट है। इस 9 यूरो टिकट में आप पूरे एक महीने तक किसी भी जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, बस ट्रेन, रीजनल ट्रेन, लोकल ट्रेन्स, कहीं भी कुछ भी, कोई भी ट्रेन बस सब ले सकते हैं और आराम से पूरा घूम सकते हैं पूरे एक महीने तक। सिर्फ और सिर्फ आप कौन सी ट्रेन नहीं ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट ट्रेन नहीं ले सकते हैं, ECIC ट्रेन्स आप नहीं ले सकते हैं, बाकी सभी ट्रेन्स ले सकते हैं। जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हैं और कभी भी, सिर्फ 9 यूरो में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जर्मन गवर्नमेंट ने इतनी सस्ती 9 यूरो की टिकट आखिर क्यों निकाली, इससे उनका क्या फ़ायदा। एक्चुअली क्या है कि जर्मनी में बढ़ते हुए इन्फ्लेमेशन से राहत देने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने ये सोचा, और साथ ही सस्टेनेबल ट्रेवल को प्रोत्साहित करने के लिए 9 यूरो की टिकट निकाली गई है। और इससे क्या है कि देखा जा रहा है कि लोग अपने ओन व्हीकल को छोड़कर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, फ़ायदा भी तो हो रहा है। फिलहाल जो मैं अभी तक न्यूज़ और वीडियोस में देख रही थी कि यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था नवी को साथ लेके स्टेशन्स पर जाना और ट्रैवल करना ट्रेन से, क्योंकि बताया जा रहा था कि सीट तक नहीं मिल रही और बहुत भीड़ है, तो इस वजह से अभी तक हम नहीं निकले थे। लेकिन फाइनली हमने सोचा कि क्यों ना देखते हैं चल के कि सच में क्या इतनी भीड़ है, मतलब क्या सिचुएशन होती है, चल के देखते हैं। अगर ज़्यादा ही भीड़ होगी या फिर सीट नहीं मिलेगी तो हम वापस आ जाएंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम निकलते हैं बाहर। जिस तरीके के वीडियोस और न्यूज़ आ रहे हैं, क्या सच में उतनी भीड़ स्टेशंस पर है, क्या हमें सीट मिल पाएगी, ये कुछ सवाल निकल कर सामने आते हैं, जिसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या हमें सीट मिल पाएगी और क्या स्टेशंस पर इतनी भीड़ है। तो चलिए देखते हैं। फाइनली हम हॉफबाहनहोफ पहुंच गए, ये मेन रेलवे स्टेशन है। देखिए सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आई थिंक सभी 9 यूरो टिकट का फ़ायदा उठा रहे हैं अच्छे से, सभी घूमने के लिए निकले हुए हैं, तो सीरियसली बहुत भीड़।
जो है ले ली है, थोड़ा लेट हो गए थे पर फाइनली मिल गई है, भागते भागते पकड़ी है ट्रेन, सीट मिल गई है क्योंकि हमारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं थैंक यू सो मच। हम लोग कोवलेंस स्टेशन पहुंच गए हैं, हमारी कनेक्टिंग ट्रेन है और इसके बाद एक घंटे बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, सो लेट्स गो। स्टेशन है यहाँ का, तो अभी हम कुछ खाने का सोच रहे हैं और कुछ खा के फिर निकलते हैं ट्रेन से। फ्री है और यहाँ से हम जल्दी से कुछ खाने का उठाते हैं और चलते हैं। तो हमारी दूसरी ट्रेन भी आ गई है, टिकट चेक कर रही है। का तो यहीं शुरू हो गया वेकेशन। हाँ, स्टेशन पे जरूर भीड़ थी लेकिन ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ नहीं है। अभी मैंने दो ट्रेन्स ली, पहली ट्रेन में भी ठीक ठाक भीड़ थी पर अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। देखिए खाली पड़ी हैं सीटें, तो मुझे तो इतनी कोई भीड़ ट्रेन्स के अंदर नज़र नहीं आई, स्टेशन्स पर ज़रूर नज़र आई, वो भी ठीक ठाक, इतनी ज़्यादा नहीं जितना वीडियो या न्यूज़ में देखा। यहाँ देखो नवी खेल भी रही है पूरी ट्रेन। तो फाइनली हमारा स्टेशन आ गया है, आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, हम एडिगर एले इस जगह पर आए हुए हैं और बहुत सुंदर है, देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वेदर भी बहुत अच्छा। और हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी आए हैं, उनके भी बच्चे हैं ना। तो हम लोगों ने होटल नहीं लिया है, हमने एक घर लिया हुआ है यहाँ पर 3 दिन के लिए और चल के देखते हैं कि कैसा घर है। आपको घर का टूर भी कराऊंगी और बहुत ही मस्त वेदर है, बहुत मज़े आ रहे हैं फिलहाल तो। आते वो हमें घर ले जाने के लिए आए हैं, जिनका घर है तो वो हमें ले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इंडिया जैसी पूरी फीलिंग ले रहे हैं, मजे ही करते हुए पूरा फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और जहाँ हम रुके हैं जिस घर में तो वही हमें लेने आए हैं और देखिए पूरी फैमिली की तरह मजे से एंजॉय करते हुए बिंदास जा रहे हैं। तो कोई इंडिया को मिस कर रहा है अभी? नहीं, सारे मजे आ रहे हैं, है ना? बहुत मजे आ रहे हैं। See, there is a cracker in there. See? I can hear you, sir. तो फिलहाल हम आ गए हैं और मैं आपको घर का टूर भी कराती हूँ। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त है घर और बहुत बड़ा है और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तो थोड़ी देर में या कल मॉर्निंग में आपको मैं पूरे घर का टूर कराती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।